मॉर्निंग, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है जैव प्रक्रम में पोषण में स्वपोषण और विषम पोषण के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग जो है स्वपोषण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो स्वपोषण में या स्वपोषी में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्योंकि यह जो है स्वपोषण या स्वपोषी पोषण केवल हरे पौधों में होता है और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें जो है कुछ जो है जीवाणु भी जो है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, उसमें जो है रसायनों के द्वारा जो है संश्लेषण होता है भोजन का, लेकिन सामान्यतया जो है केवल हरे पौधों में ही स्वपोषण क्रिया होती है या कह लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए चार चीज़ों का होना आवश्यक होता है। नंबर एक है सूर्य का प्रकाश, नंबर एक है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है हरित लवण, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और चौथा महत्वपूर्ण पदार्थ है इसमें जल H2O। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ये चार पदार्थ, या हम इन्हें कह लें कि ये चार रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चे पदार्थ हैं जिनके द्वारा जो है भोजन का निर्माण होता है। तो सूर्य का प्रकाश है, हरित लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। इसमें से अगर कोई भी अनुपस्थित हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है या पूरी नहीं हो सकती है। इसमें जो है संपन्न नहीं हो सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसमें मुख्य उत्पाद जो होता है वह ग्लूकोज होता है और उप उत्पाद ऑक्सीजन होती है। इसमें मुख्य उत्पाद ग्लूकोज और उप उत्पाद ऑक्सीजन होता है। यही जो है पौधों में संचित होता है। इसमें जो है जो क्रिया होती है हरित लवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल यह प्रकाश ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेता है और फिर जो है अवशोषित करने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है और जल का विघटन होता है जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये तीन क्रियाएं होती हैं इसमें। इसका समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का, सूर्य का प्रकाश, हरित लवण, C6H12O6 plus
सिक्स थ्री एच टू ओ प्लस सिक्स ओ टू प्लस टू ऊर्जा। ये समीकरण है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के छह अणु भाग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 12 अणु क्रिया करते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज का एक अणु बनता है और जल के 6 अणु मुक्त होते हैं, लेकिन ये फिर उस क्रिया में संपन्न होते जाते हैं, प्रयुक्त होते जाते हैं, और ऑक्सीजन के जो है 6 अणु मुक्त होते हैं जो पर्यावरण में जा करके मिलते रहते हैं, और यह हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। तो इसलिए जो है जो हरे पौधे होते हैं वही जो है स्वपोषी होते हैं, या हम इन्हें जो है उत्पादक कहते हैं। और गैसें जो होती हैं जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, यह जो है स्टोमेटा के द्वारा या रंध्रों के द्वारा पौधों से बाहर निकलती रहती है, और उसी से स्टोमेटा के द्वारा ही जो है हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ग्लूकोज मुख्य उत्पाद के रूप में भोजन के रूप में बनता है, ये संचित होता जाता है। दूसरा है आपका विषमपोषी पोषण। विषमपोषी में जो है जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उन्हें हम लोग जो है विषमपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। किसी न किसी रूप में वो दूसरों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। जैसे हम ही लोग हैं भोजन लेने के लिए अन्य जंतुओं और पौधों पर आश्रित होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो पौधों से भोजन लेते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो दूसरे जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं। तो इन्हें विषमपोषी कहा जाता है, या कह लीजिए। और इसमें जो है दो भागों में बांट दिया गया है विषमपोषी पोषण को। एक है मृतोपजीवी, या जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे आपके जो है कवक है, जीवाणु है, ये सभी मृतोपजीवी हैं। और परजीवी जो दूसरे जीवों पर रह करके अपना पोषण लेते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। परजीवी दो तरह के होते हैं, एक है बाह्य परजीवी और दूसरा है अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं उन्हें हम बाह्य परजीवी कहते हैं, और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रह करके पोषण लेते हैं हमारे शरीर से उन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं। तो बाह्य परजीवी में जैसे आपका जू है, मच्छर है, जोंक है, ये सभी बाह्य परजीवी, खटमल है, ये सभी बाह्य परजीवी की श्रेणी में आते हैं। ये हमारे शरीर के बाहर रहते हैं, या कह लीजिए अन्य जंतुओं से या हमारे शरीर से पोषण लेते हैं, तो इन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। और अंतः परजीवी आपके शरीर में, या कह लीजिए हम लोगों के शरीर में, जीवों के शरीर में अंदर रह करके पोषण लेते हैं इन्हें, इसीलिए इन्हें अंतः परजीवी कहा जाता है। और इसमें जो है प्रमुख रूप से आपका जैसे एस्केरिस है, पेट का केंचुआ जिसे हम लोग कहते हैं, वो आता है। प्लाज्मोडियम या कह लीजिए मलेरिया परजीवी, ये भी अंतः परजीवी है। और टीबी के रोगाणु या अन्य इस तरह के जो है तमाम फीता कृमि, लीवर फ्लूक, ये सभी अंतः परजीवी हैं, ये हमारे शरीर के अंदर रह करके पोषण लेते हैं, तो इसलिए इन्हें
अंतः परजीवी कहा जाता है और ये अपना भोजन लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है मनुष्य में पोषण कैसे होता है या मनुष्य में पाचन क्रिया के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।